तो दोस्तों ये बात तो आपने जानती हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान कल से सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होते ही रिकॉर्ड्स बुक को इस कदर हिला चुकी है अपने भूचाल रूपी अवतार के माध्यम से कि भैया रिकॉर्ड बुक घबराते हुए किंग खान के पास हर दिन हाजिरी लगाने के लिए फिर से एक बार मजबूर हो गया है और जाकर यही बात बोलता है, हुजूर आज क्या क्या बदलाव करना है बता दीजिए हमें। तो भाई दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बुक में जबरदस्त बदलाव हुआ है इंडिया के प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के कलेक्शन के माध्यम से मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतना जबरदस्त कलेक्शन मिला है कि भाई जवान ने पुराने सारे रिकॉर्ड धो डाले हैं मेरे भाई, जिस पर पहले भैया पठान का ही राज था मेरे भाई। तो कैसे हुआ है ये बदलाव, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया PVR, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस पर बेहतरीन कलेक्शन करने वाली टॉप 3 फिल्मों के लिस्ट में भैया नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म थी वो फिल्म किंग खान की ही ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया पठान थी, जिसको पहले दिन के लिए इन इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 27 करोड़ 2 लाख रुपीज का, यानी कि भैया 27 करोड़ 2 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म थी वो फिल्म थी KGF का चैप्टर 2, जिसको पहले दिन के लिए इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 22 करोड़ 15 लाख रुपीज का, यानी कि भैया 22 करोड़ 15 लाख रुपए का। और भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म थी वॉर, जिसको भैया इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 19 करोड़ 67 लाख रुपए का, यानी भैया 19 करोड़ 67 लाख रुपीज का। और भाई इन तीनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नंबर 1 के पोजीशन पर आ गई है जवान, यानी कि भाई ये बात किंग खान ने साबित करके दिखा दी है कि उनके रिकॉर्ड्स को उनके अलावा और कोई तोड़कर नहीं दिखा सकता है मेरे भाई। यानी कि भैया जवान को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया पहले दिन इस फिल्म को PVR आईनॉक्स के माध्यम से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 24 करोड़ का, यानी कि भैया 24 करोड़ का। उसके बाद भैया इस फिल्म को सिनेपॉलिस से पहले दिन के लिए जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 5 करोड़ 96 लाख रुपीज का, यानी कि भैया 5 करोड़ 96 लाख रुपए का। और भाई इन दोनों मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है मेरे भाई 29 करोड़ 96 लाख रुपीज का। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आई है कि मूवी मैक्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 2 लाख रुपीज का। यानी भैया इन 4 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन के लिए जो कलेक्शन मिला है मेरे भाई वो आंकड़ा है 30 करोड़ 98 लाख रुपीज का, यानी कि भैया 30 करोड़ 98 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए जवान जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्म बन गई है जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब दूसरे फिल्म के जो कलाकार है ना तैयारी कर रहे होंगे कि भैया हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाएंगे। लेकिन भैया अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भैया इस रिकॉर्ड को खुद किंग खान तोड़ेंगे या फिर कोई दूसरा कलाकार तोड़ेगा, उस पर हमारी नजर टिके रहेंगी। वैसे भी भैया किंग खान की एक और फिल्म आने वाली है डंकी, जिससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया डंकी इस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकले। वैसे मैं आपको यह जानकारी भी दे देता हूं कि भैया इंडिया में तो इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिल ही रहा है कमाई के मामले में। वैसे भाई ये फिल्म विदेशों में भी कमाई के मामले में झंडे गाड़ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में जो कलेक्शन मिला है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो आंकड़ा है 3,98,030 का, यानी कि भैया 3,98,030 का कलेक्शन इस फिल्म को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मिल चुका है। यानी कि भैया इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से इस फिल्म ने 2,11,00,000 रुपए का बिजनेस पहले दिन के लिए हासिल कर लिया है। उसके बाद भी इस फिल्म को न्यूजीलैंड से जो कलेक्शन मिला है पहले दिन के लिए वो आंकड़ा है 79,805 न्यूजीलैंड डॉलर के माध्यम से, यानी कि भैया इंडियन करेंसी में बात करें तो भैया इस फिल्म को न्यूजीलैंड से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 39,13,000 का, यानी भैया 39,13,000 का कलेक्शन इस फिल्म को न्यूजीलैंड से पहले दिन के लिए मिल चुका है। उसके बाद भैया जर्मनी से भी इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला है पहले दिन। इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को जर्मनी से जो पहले दिन कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1,46,014 यूरो का, यानी कि भैया 1,46,014 यूरो का कलेक्शन इस फिल्म को पहले दिन मिल चुका है जर्मनी के लिए। यानी कि भैया इंडियन करेंसी में बात करें तो इस फिल्म ने जर्मनी से जो कलेक्शन किया है पहले दिन
वो आंकड़ा है 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, यानी भैया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को जर्मनी से मिला है। और उसके बाद भैया इस फिल्म को यूके से जो पहले दिन कलेक्शन मिला है मेरे भाई, वो आंकड़ा है 2,08,061 पाउंड का, यानी कि भैया 2,08,061 पाउंड का बिजनेस इस फिल्म को यूके से मिला है, जो कि भैया इंडियन करेंसी में है 2,16,00,000, यानी भैया 2,16,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म को यूके से भी मिल चुका है मेरे भाई। यानी भैया ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो जबरदस्त कलेक्शन कर ही रही है, उसके साथ साथ भाई ये फिल्म विदेशों में भी जबरदस्त कलेक्शन करती नजर आ रही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई जवान पठान के कलेक्शन को पूरे इंडिया से कितने दिनों में पार करके दिखा देंगे मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।